समस्तीपुर में लॉकडाउन के दौरान फंसे बंगाल के श्रमिकों को देर रात दर्जन भर बसों से उनके गंतव्य स्थान को रवाना किया गया। इसके पूर्व सभी प्रवासी मजदूरों की दिन भर मेडिकल जांच के बाद स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद इन सबको बसों से हरिद्वार के लिए रवाना कर दिया गया। हरिद्वार से ट्रेन के जरिए इन्हें बंगाल पहुँचाया जाएगा। श्रमिकों के दर्द को आखिर मरहम मिल ही गया। कई राज्यों के श्रमिक काफी लंबे समय से काशीपुर में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे। पुलिस व प्रशासन ने बीते रोज बसों से उन्हें उनके शहर को रवाना कर दिया। रवाना होने से पूर्व उनके चेहरे पर सुकून देखने को मिला। आपको बताते चले कि काशीपुर में विभिन्न फैक्ट्रियों तथा प्रतिष्ठानों पर श्रमिक कार्यरत थे, जिसमें कोलकाता व मालदा के करीब 280 श्रमिक लॉकडाउन के चलते यहां पर फंसे हुए थे। स्थानीय प्रशासन की पहल के चलते इन सभी बंगाली प्रवासी श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य की जाँच एवं स्क्रीनिंग कराने के बाद लगभग दर्जन भर बसों से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना कर दिया गया। नगर आयुक्त के मुताबिक 280 के आसपास बंगाली मजदूरों को एकत्रित कर लिया गया है, जिसके बाद इन सभी को बसों से हरिद्वार के लिए रवाना कर दिया गया, जहां से इन सभी श्रमिकों को ट्रेनों के द्वारा उनके गंतव्य स्थान को रवाना किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न भागों में जो अन्य प्रदेशों के प्रवासी लोग यहाँ पर किसी कारण से रुके हैं, उनको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। आज काशीपुर क्षेत्र के अंतर्गत करीब करीब 280 के आसपास जो बंगाली प्रवासी हैं वो एकत्र हो गए हैं, जिनको एकत्र कर लिया गया है। उनके लिए 10 बसों की व्यवस्था की है। वैसे तो 9 बसों की बात है कि अगर वैद्य भी कार खराब हो जाते हैं तो तत्कालिक को भेजेंगे। अभी जो स्टेडियम है वहाँ पर उनको एकत्र किया गया है और वहीं पर उनका मेडिकल परीक्षण होगा और उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि ये इस जिले से जा रहे हैं और उसके बाद इनकी जो रवानगी है इनके अपने गंतव्य तक की जानी है, इसलिए इनका पूरा डाटा पहले एकत्र किया जा रहा है और उसमें जहाँ पर कोई रेक्टिफिकेशन किया ना हो उसकी आवश्यकता है उसको भी कर रहे हैं। इनका शाम को 4 बजे से इनका विस्तृत मेडिकल होगा। मेडिकल परीक्षण करने जाने के बाद ये कोरोना से मुक्त अगर है तभी इनको जो है आगे बसों में करके ले जाएगा। हरिद्वार से इनके लिए वेस्ट बंगाल के लिए ट्रेन की व्यवस्था है, तो हमारी जो बस है यहाँ के उत्तराखंड से बस है ये इनको हरिद्वार तक चलेंगे। हरिद्वार तक इनको भेजने की व्यवस्था है और यहाँ पर जो इनको जिनका लंच है शाम को वहीं इनको डिनर बैग डिनर दे देंगे, उसकी व्यवस्था भी स्थानीय प्रशासन द्वारा जो सहयोग से की जाती है। कुल मिलाकर के प्रवासी लोग अपने गंतव्य तक सही ढंग से पहुँचे, इसे प्रशासन करनी है। जिला प्रशासन की, नगर निगम की, ARTO, पुलिस, ये सब टीमें संयुक्त रूप से मिलकर के इस कार्रवाई को करनी है। सहयोग मिला, सबका सहयोग मिला।